मऊ रानीपुर की पुलिस और दबंगों की मिली भगत से ऐसे कांड किए जा रहे हैं कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। भ्रष्टाचार के साथ साथ जाने लेने में भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं ये पुलिस वाले। सुनिए पूरा मामला क्या है। सेक्टर के विवाद में दो पक्षों में हुई मारपीट के बाद एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वहीं मृतक महिला के परिजनों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने एवं रुपये लेकर भी कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया है। मऊरानीपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम बुढ़िया निवासी प्रीतम अहरवार पुत्र चिपल पुलिस क्षेत्र अधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि 22 नवंबर को सेक्टर के विवाद के चलते कुछ लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट कर दी गई, तो वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसकी पत्नी को कोतवाली ले जाकर उसके विरुद्ध कार्रवाई की। विपक्षियों के खिलाफ पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो वहीं मारपीट में उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका इलाज झांसी में चल रहा था। देर रात इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों के द्वारा महिला का शव कोतवाली लाया गया, जहां पर सुनवाई न होने पर शव को लेकर परिजन पुलिस क्षेत्र अधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहां शव को कार्यालय के बाहर रखकर बैठ गए, कार्रवाई की मांग करने लगे। पीड़ित प्रीतम के द्वारा मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस पर 10,000 रुपए लेकर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है, तो वहीं बेवजह उसके साथ मारपीट करने का भी आरोप पीड़ित ने लगाया है। एएसएम न्यूज के लिए अंकित गौतम की रिपोर्ट। धन्यवाद। सर, आज जो मऊरानीपुर में सर ये हंगामा हुआ है उसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? आपको बताते हैं कि 22 नवंबर 2022 को थाना मऊरानीपुर अंतर्गत ग्राम बुढ़िया बमोरी मोजा सिगरवाड़ा में दो पक्षों जुगल किशोर व प्रथम अहिरवार के मध्य खेत में ट्रैक्टर निकालने को लेकर मारपीट की घटना की घटना हुई थी। इस सूचना पर SHO मऊरानीपुर मैं फोर्स के तत्काल मौके पर पहुंचे और इस घटना में जुगल किशोर अहिरवार की पत्नी और राम लारी व विपक्षी प्रथम अहिरवार की पत्नी लाली को चोट लगी थी। घायलों को तत्काल प्राइमरी हेल्थ सेंटर मऊरानीपुर में भर्ती कराया, जहाँ से जुगल किशोर की पत्नी राम लाली को अतिरिक्त चोट होने के कारण मऊरानीपुर से रिफर झांसी कर दिया गया, जिसका इलाज आज भी झांसी अस्पताल में चल रहा है। विपक्षी प्रथम की पत्नी लाली को साधारण चोट होने के कारण CSC मऊरानीपुर ने उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया था। प्रथम ने अपनी पत्नी लाली को इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम में कराया, जिसकी 29 नवंबर 2029 को आज उसकी मृत्यु हो गई है। आवेदक से प्रार्थना पत्र लेकर के मुकदमा लिखा जा रहा है और अगली कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें जो सर पुलिस पे आरोप लगाया जाए सर, इसमें सर क्या है? नहीं, ये पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, और भी आरोप लगा रहे हैं। इसे हमने CEO मऊरानीपुर को जांच दे दी है। CEO मऊरानीपुर से अनुरोध किया है कि जल्दी इसमें जांच करा करके जो भी सही तथ्यों आधार पर जांच देंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी सर। क्या नाम है आपका? आनंद। क्या घटना हुई? घटना ये है कि खेत पर माता पिता लोग गए बहने के लिए, वहाँ पर सेक्टर ताजे निकलने के लिए रास्ता, उन लोगों ने जोत के वहाँ पर डीपी लगा ली। डीपी लगा ली तो वहाँ पर निकलने की कोई जगह नहीं है। वहाँ से निकले आते टाइम तो कुछ नहीं कहा, कोई नहीं था तो इसलिए कुछ नहीं कहा। जब जाते टाइम वो लोग वहाँ आते थे तो वहाँ पर लड़ने झगड़ने लगे। हम लोग घर पर थे, मारा पिट्टी करी इन लोगों ने, ऐसा मारा कि देखिए हालत ख़राब है। और यहाँ पर पुलिस वाले कह रहे कि यहाँ पर तुम लोगों ने खुद मारा है। इलाज कहाँ कराया? इलाज यहाँ पहले मऊरानीपुर में आए वो लेके साथ में, जब वहाँ पकड़ा गया तो पकड़ने के बाद लाया तो वहाँ पर इन लोगों की जो विपक्षी थे उनकी तो तुरंत रिपोर्ट लिख ली और रिपोर्ट कर दिया। हमारी माता जी को अस्पताल में छोड़ दिया, पिताजी को थाने बंद कर दिया। वहाँ पर ना कोई देख ना रेख, वहीं बाथरूम कर ली। पुलिस ने तुम्हारा सहयोग नहीं दिया? बिल्कुल भी सहयोग नहीं दिया। क्या कारण रहा इसके पीछे? इसके लिए है पैसा, इन लोगों ने पैसा लिया है। कोई राजनीतिक कारण? राजनीतिक तो मालूम नहीं, लेकिन इन लोगों ने पैसा लिया। पैसों के बाद ये राम किशोर, जुगाल किशोर और सीताराम। आपके गाँव के हैं? हाँ, हमारे गाँव के हैं। क्या आपसे पैसे की मांग की गई है कोतवाली में? नहीं, हमसे तो की थी जब वो थाने में जमा रहे दो दिन। तीसरे दिन जमानत के लिए पापा को मामा जी गए, जब उनको पता चला तो जब नहीं छोड़ दिया उनको, भैया खाना देने गए तो उन्हें छोड़ दिया। क्या तारीख की घटना है? यह 22 तारीख की। कितने दिन अस्पताल में भर्ती रही? अभी यहाँ से 23 तारीख के निकल गए थे, 23 तारीख से रहे झांसी तक। अभी आए, अभी सुबह आए हम। 23 तारीख से भर्ती लगा लिए। कितने दिन हुए? 6-7 दिन हो गए। ओके। क्या नाम है? हमारा सर प्रीतम नाम। क्या घटना हुई है? हम अपने खेत की जुताई कर रहे थे तो हम अपना सरकारी सेक्टर डाले हुए हैं,
तो हम सरकारी सेक्टर से आते थे जाते थे, हमारे बाप दादा पुरखा भी जाते जाते थे वहीं से। ठीक है।